सीरीज की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले लाओ मिन दाओ का सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम हेवेनली पॉल था, वो एक बार गलती से एक दूसरे रियल में गिर गया, जिसे कि वहाँ के सबसे ताकतवर इंसान शेतुना ने पा लिया। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास भी ये पर्ल होगी, वो इस पर्ल की मदद से एंशिएंट इमॉर्टल रियल में बहुत ही आसानी से चला जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करना चाहते थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि तीन मास्टर एक साथ मिलकर शेतुना पर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग इसके पास से वो हेवेनली फॉर्म पर्ल वापस पाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि शेतुना अकेले ही इन तीनों लोगों को बहुत ही आसानी से टक्कर दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि तीनों मास्टर एक साथ मिलकर अपने जॉइंट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और शेतुना के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शेतुना बड़े ही आसानी से इन तीनों इल्डर को हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि शेतुना भी अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करता है और अपने फायर फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर बाकी के मास्टर भी अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं और शेतुना के उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शेतुना मास्टर्स के स्पिरिट सोल का सामना नहीं कर पाता है और वो हार जाता है। और शेतुना अपनी हार को सामने देखकर वो डेथ फिंगर को यूज़ कर लेता है, क्योंकि वो इन लोगों के हाथों से मरना नहीं चाहता था। और उसे ऐसा करते हुए देखकर सारे मास्टर हैरान हो जाते हैं और हेवेनली पर्ल को उससे लेने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कि हम देखते हैं कि शेतुना की बॉडी उस पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शेतुना कहता है कि मैं किसी न किसी दिन वापस ज़रूर आऊँगा और तुम लोगों से अपना बदला ज़रूर लूँगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का एक किताब पढ़ते हुए आगे जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स मूर्तियां बनाकर बाज़ार में बेचते हैं, जिससे कि उनका घर चलता है। तभी हम देखते हैं कि इनके घर पर कोई आदमी आ जाता है, जो कि लिन के पिता से अपने कर्जे को वापस मांगने आया था। और फिर थोड़ी देर बाद वो ज़बरदस्ती लिन के फादर के जमा किए हुए पैसे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और जब लिन के फादर उन्हें रोकते हैं तो वो लोग उन्हें धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद लिन के फादर कहते हैं कि मैंने ये पैसे तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए रखे थे और अब वो तुम्हारा पैसे लेकर चला गया है, तो तुम अगले मंथ में एग्ज़ाम कैसे दोगे। और ये सब चल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि लिन के चौथे अंकल यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बार यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ, और कहते हैं कि हमारे जावा किंगडम में और हमारे सेक्ट में एक नए डिसाइपल के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिन भी हमारे सेक्ट में आकर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करे। इसे सुनकर लिन के फादर उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं होते हैं इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि लिन कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लेता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन अपने पेरेंट्स को साथ लेकर वन फैमिली के सेक्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में लिन के फादर उससे कहते हैं कि मुझे इस सेक्ट से निकाल दिया गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वापस फिर से इस सेक्ट में आना पड़ेगा। ये वो लिन से कहते हैं कि अगर वो कुछ कहें भी तो तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लेना। और सेक्ट में आने के बाद लिन अपने कज़िन से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिन को लेने के लिए वहाँ पर एक इमॉर्टल आ जाता है, जो कि लिन के कज़िन वांगजू को देख कर कहता है कि तुम तो देखने में ही काफ़ी टैलेंटेड लग रहे हो, मुझे लगता है कि इसलिए अंकल ने तुम्हें फेवर किया था। और अपनी तारीफ सुनकर वांगजू उसे थैंक यू कहता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल इन तीनों को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी लिन अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए उनसे उनका आशीर्वाद लेता है। और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस ट्रायल में मैं अपना 100% दूंगा। और फिर लिन वहाँ उस डिसाइपल के साथ वहाँ से चला जाता है। तो जब वे लोग सेक्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि इनसे पहले बहुत सारे डिसाइपल वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सेक्ट के लीडर आते हैं, इन्हें देखकर सभी लड़के उन्हें बाव करते हैं। इसके बाद वो लीडर कहता है कि मेरे सेक्ट में आने के लिए जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है और तुम में से बहुत सारे लोग इसमें डिसक्वालीफाई हो जाओगे। और ये कहने के बाद वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा।
इमोर्टल्स को, क्योंकि मॉर्टल को कल्टीवेट करने के लिए ये टैलेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर वो अपने साथ के एल्डर्स को डिसाइपल्स का टेस्ट लेने के लिए भेज देते हैं। वो दोनों एल्डर्स डिसाइपल के ऊपर अपने बारी बारी अपने पावर्स का यूज़ करके उनके पावर को चेक कर रहे थे। और हम देखते हैं कि बहुत समय बीत गया होता है लेकिन कोई भी इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाता है। और तभी वांगजू की बारी आती है, और जब इल्डर वांगजू की स्पिरिचुअल रूट को चेक करता है और वांगजू इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है। अब इसके बाद वांग हाओ की बारी आती है। वांग हाओ जैसे ही टेस्ट देने के लिए इल्डर के पास जाता है, वो उसे एक 300 साल पुरानी गिफ्ट देता है और कहता है कि इल्डर, मैं तो ये आपके लिए ही लाया था। और बहला फुसला लेता है उससे, जिससे कि वो इल्डर वांग हाओ को पास कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन के टेस्ट की बारी आती है, और लिन इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और ख़ुद को डिसक्वालीफाई हो जाने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इल्डर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट टेस्ट ये तो अभी पहला टेस्ट है, अभी बाकी टेस्ट बचे हुए हैं, जिसे सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर दूसरा टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर लीडर अपना अगला टेस्ट बताते हुए कहते हैं कि ये जो लेडर है, इसके ऊपर जो भी सनसेट होने से पहले पहुंच जाएगा वो इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। और साथ ही कहते हैं कि जब तुम इस लेडर पर चढ़ोगे तो रास्ते में तुम्हारे बहुत सारे चैलेंज पड़ेंगे, जिसे तुम्हें पार करते हुए आगे बढ़ना है। जिसके बाद सारे डिसाइपल उस लेडर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और लिन भी ये सोच रहा होता है कि इस सेक्ट में जाने के लिए ये मेरे पास आखिरी चांस है, मुझे कैसे भी करके इस लेडर के ऊपर चढ़ना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट लेडर्स के ऊपर चढ़ रहे थे, तो कभी किसी के ऊपर पानी गिर जा रहा था, कभी किसी के पास आग लग जा रही थी, और कभी किसी को बिजली के झटके लग जाते थे, की वजह से वो लोग इसमें फेल हो जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी आगे लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। इन तभी अचानक से लिन एक ऐसी जगह पर गिर जाता है जहां उसके चारों तरफ लावा ही लावा था। और हम देखते हैं कि लिन लावा को देख के भी नहीं डरता है और इस चैलेंज को पार करने के लिए वो लावा के बीच से चलते हुए आगे जल पड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि जिन लावा में पूरी तरह से डूब चुका होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और वो कैसे कैसे करके लावा के किनारे तक आ ही जाता है। और जैसे ही जिन लिन किनारे पर आता है, वो लावा उसके शरीर से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन लैडर को देख के दौड़ते हुए आगे जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसे बीच में खाई दिखाई देती है। खाई को देख कर लिन निराश हो जाता है, लेकिन उसे कैसे भी करके उस लैडर तक पहुँचना है, इसलिए वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है, उसके सामने इनविंसिबल सपोर्ट आ जाता है, जिससे कि वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन दौड़ने लगता है, और थोड़ी देर दौड़ने के बाद हम देखते हैं कि लिन एक इनविंसिबल दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद लिन इस इनविंसिबल दीवार को तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन थोड़ा सा पीछे जाता है और दौड़ते हुए आकर उस दीवार पर काफ़ी ज़ोर से धक्का मारता है, लेकिन वो इस दीवार पर धक्का मारने के साथ ही एक दूसरी जगह पर जाकर गिर। और फिर हम देखते हैं कि लिन ठीक उसी जगह पर गिरता है जहां पर आज से हजारों साल पहले शितुना की स्टूल उस हेवेनली पर्ल में गिरी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब लिन को होश आता है, तो वो देखता है कि उसकी इंजरी को हेवेनली पर्ल ठीक कर रही थी, और वो उस पर्ल की पावर को देख कर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर लिन उस पर्ल को टच करता है, और उसके टच करते ही वो पर्ल अचानक से हजारों वाटर बॉल में चेंज हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लिन उस पर्ल के अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद उसके सामने शितुना का शूल आ जाता है। शितुना की शूल लिन को देखकर कहती है कि आखिरकार तुम मेरे पास आ गए, और अब ऐसा लगता है कि मेरे आज़ाद होने का टाइम आ चुका है। और साथ ही कहता है कि मेरी बॉडी तो उस युद्ध में डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी सोल को इस पर्ल के अंदर कैद कर दिया था,
जैसे कि आज मैं जिंदा हूँ और अब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूँगा और यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि सितुना ने लिन के बॉडी से लिन के सोल को बाहर निकाल दिया था, लेकिन सितुना लिन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सितुना की सोल फिर से लिन के शरीर से बाहर हो जाती है और लिन की सोल लिन के अंदर वापस आ जाती है। इसे देखकर सितुना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ऐसा कई बार करता है लिन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है। और फिर सितुना सोचने लगता है कि आखिर हेवनली पर ने इस बेकार से इमॉर्टल को क्यों चूज़ किया। जिसके बाद लिन खड़ा होता है और सितुना से कहता है कि मैं यहाँ इमॉर्टल कल्टीवेशन करने के लिए आया हूँ, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। जिसे सुनकर सितुना बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है कि तुम एकदम सच में कचरा हो। इसे सुनकर लिन कहता है कि मैं मानता हूँ मेरा जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पूरे जीवन एक और नॉर्मल इंसान ही रहूँगा। और ये सब सुनकर सितुना उसे अपने पर्ल से बाहर निकाल देता है। हम देखते हैं कि लिन को ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद लिन के पेरेंट लिन से मिलते हैं। यहाँ लिन के पेरेंट्स उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तभी वहाँ एक इल्डर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कोशिश को देखा, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने सेक्ट में आने की अनुमति देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि लिन उस मास्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो इल्डर लिन से कहता है कि डिसाइपल के ड्रेस का कलर उनके पोजीशन के बारे में बताता है, इसमें कि सबसे हाई पावरफुल वाइट कलर वाले होते हैं, उसके बाद रेड कलर वाले, फिर येलो कलर वाले। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ का सीनियर लू भी वहाँ आ जाता है। ते देखकर जेन वहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिन को इस के इल्डर्स कुछ टास्क दिए होते हैं, जहाँ पर उसके सामने बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। इन सारे कंटेनर को नदी से पानी लेकर आकर भरना था, लेकिन हम देखते हैं कि लिन बहुत बिना टाइम गवाए उस छोटी छोटी बाल्टियों को उठाता है और नदी से जाकर पानी लाकर उन बड़े कंटेनर को भरना शुरू कर देता है। फिर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लिन इनमें से किसी एक कंटेनर को भी पूरा नहीं भर पाया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरे दिन काम करने की वजह से लिन के हाथ भी जख्मी हो गए थे और वो अपनी इंजरी को देखकर पर्ल के बारे में सोचता है कि कैसे पर्ल ने उसके इंजरी को बहुत ही आसानी से हील कर दिया था। फिर यही सब सोचकर वो पर्ल को फिर से यूज करने की सोचता है और पर्ल को निकाल कर वाटर के अंदर डाल देता है। और फिर जैसे ही वो इस वाटर के अंदर अपना हाथ डालता है, तो उस पर्ल की वजह से इसकी हाथ की इंजरी तुरंत ही भर जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन उस वाटर को उठा के थोड़ा सा पी भी लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। फिर हम रात के समय में देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस आदमी लियो से मिलने हुए आया होता है, जो उससे कहता है कि वैसे तो हमारे हैंगिंग सेक्ट के डिसाइपल इतना हाई नहीं है, क्योंकि वो पूरे सेक्ट के अंदर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें कोई भी अजीब सा ट्रेजर मिले तो तुम मुझे ज़रूर बताना। इस पर लियो कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसे ही कुछ भी मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि आज लिन सारी ओस की बूंदों को कलेक्ट करने में लगा हुआ था, क्योंकि आज उसके मास्टर ने उसे ओस की बूंदों को कलेक्ट करने का टास्क दिया हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि लिन पर्ल की मदद से अपने आप इंजरी को बहुत ही आसानी से हील करता रहता है और 4 दिनों के अंदर ही वो सारे के सारे कंटेनर को पानी से भर देता है। और इसके इस कारनामे को देख कर लियो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके पास ज़रूर कोई ना कोई मिस्टीरियस चीज़ है। और इसके बारे में पता करने के लिए लियो लिन को पकड़ लेता है, उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने पास में कौन सा ट्रेजर छुपाया है, इसके बारे में तुम मुझे जल्दी से बता दो। लेकिन लिन पर्ल के बारे में उसे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो लिन को बहुत ही ज़्यादा पीटना शुरू कर देता है, साथ ही कहता है कि अगर तुमने यहाँ से किसी भी ट्रेजर को चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर लिन की इस हालत को देखकर सितुना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि तुमने उसके साथ में फाइट बैक क्यों नहीं किया।
सुनकर लिन कहता है कि मैंने उसके हर एक हिसाब को लिख कर रखा है, टाइम आने पर मैं उसे चुका दूंगा। जिसे सुनकर सितुना कहता है कि मैं इतना लंबा प्रैक्टिस इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आज से ही भी तुम्हें अपनी स्किल सिखाना शुरू करता हूँ। हम देखते हैं कि सितु लिन को कल्टीवेशन के बारे में बताना शुरू कर देता है और सितुना बताता है कि कन्वर्सेशन और मेडिटेशन की पहली स्टेज है, उसके बाद से फाउंडेशन को बिल्ड करना, बाद जाइडान, इसके बाद नेस्केट सोल, ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड, लास्ट में इंसेट्राइज जैन आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सितुना से की को कंट्रोल करने के बारे में सिखाना शुरू कर देता है और फिर लिन भी धीरे धीरे इसकी सारी स्किल को सीखना शुरू कर देता है। और फिर सितुना बताता है कि पर्ल के बाहर का एक घंटे यानी कि पर्ल के अंदर का 10 घंटे दोनों एक बराबर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना भी टाइम है उस टाइम पर तुम अच्छे से अपने ऊपर फोकस करो। फिर अगले सीन में हम दो डिसाइपल को आपस में बात करते हुए देखते हैं कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक दूसरे सेक्ट के साथ इनका एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है। बाद हम देखते हैं कि एल्डरसन यहाँ पर आया होते हैं। लियो सबसे कहता है कि एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाला है, इसलिए एल्डर्स इसमें तुम में से किसी एक को चूज करेंगे, इसमें जो भी सेलेक्ट होगा वो यूर डिसाइपल के लेवल पे प्रमोट हो जाएगा। सुनकर सारे डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर लिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर भले ही थोड़े स्किल की कमी है, लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट है और लगन है, इसलिए क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना पसंद करोगे। सुनकर लिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल इस बात से नाखुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि एल्डर सू ने आखिर लिन को ही क्यों चूज़ किया, पास कोई भी टैलेंट नहीं है और वो हमसे हर मामले में पीछे ही है। और लिन जब उस एल्डर का डिसाइपल बन जाता है तो एल्डर उसे अपने पास से स्टोरेज बैग और कुछ और भी गिफ्ट में देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर के दिए हुए एलेक्सिस को लिन खा लेता है और अब इस तरह से वो एल्डर सू का डिसाइपल बन जाता है। और साथ ही लिन सितुरा के साथ भी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका होता है, उसने बहुत ही कम समय में ग्रेविटी आर्ट को मास्टर कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने ग्रेविटी आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है, इन सेतु इसे बहुत ही आसानी से बीच में डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिनका लिन के साथ बहस हो गया था कि वो मास्टर लियो के दिए गए टास्क को कंप्लीट नहीं कर चुका पाया होता है, फिर इनकी बहस बढ़ने लगती है, जिस पर कि जेंग गुस्से में कहता है कि कुछ दिन पहले अमा फुगोई ने आपको एक मॉर्टल तालिस्मान दिया था, इसलिए अब मैं इसके बारे में सेक्टर लीडर को बताऊंगा। ये बात सुनकर लियो उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है कि वो नहीं चाहता था कि ये बात इल्डर को पता चले, और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन यहाँ पर आ गया होता है और अपने ग्रेविटी आर्ट का यूज़ करके उसके अटैक को बीच में ही रोक देता है, साथ ही वो लियो से फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाता है। देखकर लियो कहता है कि मैं तो ग्रेविटी आर्ट को सीख लिया। ये कहते हुए लियो लिन के ऊपर अटैक कर देता है। इन हम देखते हैं कि लिन पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और वो बहुत ही आसानी से उससे अटैक को काउंटर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन लियो को बहुत ही आसानी से इस मैच में डिफीट कर देता है और साथ ही कहता है कि अगर आगे से तुमने अब किसी और को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेन्यून ने अचानक से इसके ऊपर पीछे से अटैक कर दिया था, जिस और फिर वो लगातार बार बार अटैक करके उसे जान से मार देता है। ये देख कर लिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।